मैसेज शिवम, जो आपने आज क्वेश्चंस भेजे थे स्टील के, वो ऑलरेडी सारे क्या है रिकॉर्डेड हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में सेंड भी कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर्स के जितना भी है, 18, 19, 20 का, उसको एक बार वहां से आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया है क्लास। यस मेघा रानी, ओके ठीक ठीक ओके राय, कल आप लोगों का स्टील का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, और दोनों फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट का कराएंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स को फिर बोल रहे हैं कि जो स्टील का है उसमें जो 18, 19, 20 का जो पेपर है उसके मैंने आपको लिंक सेंड कर रखे हैं यूट्यूब पे, उसको आप पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव जो है, और मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, अभी टाइम है बहुत सारा। गुड इवनिंग टू ऑल। यस चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व भी कराया था, बताओ क्या आंसर था इसका। ठीक 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 प्रीकास्ट के न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका आंसर बताइए फास्ट। इसका क्या आएगा, डायमेंशंस आर मेजर्ड अप टू नियरेस्ट 0.01 मीटर, एरियाज आर मेजर्ड, कौन सा क्या स्टेटमेंट पूछा है स्ट्रेंथ। इसमें उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डायमेंशन आर मेजर टू द नियरेस्ट 0.01, ठीक है, और इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास सी इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0.1 हमारे को गिवन कर रखा है। यस और नो, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, क्यूबिक कंटेंट्स आर मेजर द नियरेस्ट 0.01 आना चाहिए था, 0.01 क्यूबिक मीटर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0.01 क्यूबिक मीटर आने चाहिए। चलिए तो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, जैसे कोलैप्सिबल गेट्स विद रेंज, रोलिंग शटर्स, टेन शटर्स, रोलिंग शटर्स, इन सब का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, एक्सपेंडेड मेटल्स वायर नेटिंग, इसमें हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेंस एमएस रिइंफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। यस सेंड कर देंगे क्लास के जस्ट बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ स्ट्रेंस द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट, तो जो वॉल्यूम है अभी आपको सभी क्लियर हो गए, वॉल्यूम है 0.01 क्यूबिक के होता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वुड वर्क डोर एंड विंडो शटर्स, बताओ जब भी शटर्स आएगा तो इसका सारा काम किस में होता है, हमारे पास स्क्वायर मीटर में होता है। जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएगा, स्क्वायर मीटर, यस श्रुति 22 का ए, 22 का ए, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर बताओ फास्ट। 23 का बी, 24 का भी बताओ, सभी के आंसर्स बताइए जल्दी जल्दी से, सभी के आंसर्स बताओ फास्ट। 22 का बी, 22 का बी, द वॉल्यूम इज मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूमेक, ठीक है ना, नहीं नहीं 22 का ए आएगा, 22 का ए ओपी राइट। जल्दी से बताइए द पेंटिंग वर्क इज ऑलवेज मेजर्ड, किसमें मेजरमेंट होता है भैया, स्क्वायर मीटर में होता है, लास्ट टाइम वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ऑल पाइप्स एंड फिटिंग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर, ये किसका आएगा बताओ स्ट्रेंथ, थिकनेस क्या आएगा। ठीक 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 24 का सी बिल्कुल सही है, 25 का बी, डायमीटर,
यस डायमीटर, ठीक। डायमीटर 26 आंसर बताइए स्टूडेंट्स। नो डिडक्शन इज मेड इन द मैसनरी फॉर ओपनिंग इन द एरिया ऑफ ओपनिंग डज नॉट एक्सीड, एरिया तो 0.5 मीटर स्क्वायर वाला होता है 27। 28 का बताइए बियरिंग्स ऑफ फ्लोर्स एंड रूफ स्लैब्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द वॉल मैसनरी, बियरिंग्स ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब्स आर, ये क्या था नॉट डिडक्टेड, ये डिपेंड करता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है डिडक्शन एरिया होता है उस पर क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी नॉट डिडक्टेड, बियरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द, ठीक है ना, इन सबके आंसर आपने क्या रखने याद रख लेने हैं, नॉट डिडक्टेड। नो डिडक्शन इज मेड इन मेसनरी ओपनिंग अप टू ईच अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, एंड्स ऑफ द बीम पोस्ट अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और बियरिंग्स ऑफ रूफ स्लैब, ठीक है, नो डिडक्शन, देखिए बियरिंग ऑफ द रूफ स्लैब यही हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, बियरिंग्स ऑफ द रूफ स्लैब जो फ्लोर है उसमें नो डिडक्शन होता है, तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, और ज्यादातर जिसमें ऑल ऑफ दीज होता है उसका डी ही आंसर आता है। फोर एस्टिमेट ऑफ द प्लास्टर सर्फेस द डिडक्शन इज नॉट मेड फॉर एंड्स ऑफ द बीम एंड्स ऑफ द राफ्टर स्मॉल ओपनिंग ऑल ऑफ द अबव, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नो डिडक्शंस फॉर प्लास्टरिंग में, तो ऑल ऑफ द क्या है इसका आंसर अबव ही आएगा, तो ये एक बार पढ़ लेना। फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन द प्रोविजंस परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था कितना होता है स्टूडेंट्स 8% होता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टिम्बरिंग इन ट्रेंच, ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोन मेसनरी, तो स्टोन मेसनरी का जो काम होगा वो किसमें होगा स्क्वायर मीटर, 31 का बी, हाँ 31 का बी सभी का आंसर सही है। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बी एन दत्ता का मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, उस पेज पे आपको दे रखे हैं सारा मेजरमेंट जो है, एक बार आप वहां से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी के पास भी है, ठीक है ना, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स स्टोन मेसनरी, रैंडम रबल मेसनरी, क्रस्ड रबल मेसनरी, असलर मेसनरी, वॉल इन आर्चेस, किस में होता है क्यूबिक मीटर में होता है, 32 का बी, ठीक है, सॉरी 33 का जो है ना स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोन मेसनरी, इसका आंसर आएगा हमारे पास सी आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स 33 का सी आएगा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, 33 का क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास सी आएगा, इसको सही कर लीजिएगा 33 का सी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, जस्ट हम आपको सारा बता दे रहे हैं, और जो हमारे पास है टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच, इसका जो मेजरमेंट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टिम्बरिंग फॉर ट्रेंच, इसका स्क्वायर मीटर रहेगा, ठीक है, इसका हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स स्क्वायर मीटर होगा, इसका हमारे पास क्या है क्यूबिक मीटर है। अब जो हमने आंसर्स लिखे यहाँ पे वो आंसर्स हमारे पास क्या है एकदम सही है, ध्यान देना जो हमारे पास है, प्लीज रिमेम्बर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जस्ट वेट, ध्यान देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपको लिख दे रहा हूँ जो स्क्वायर मीटर में और क्यूबिक मीटर में स्टोन के केस में, ध्यान देखिएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, स्टोन के केस में हम लोग लिख दे रहे हैं स्टोन वर्क, आराम से पढ़ेंगे रात हमारी है, ठीक है, देखिए ध्यान से स्टोन वर्क, स्टोन वर्क में स्टूडेंट्स जो क्यूबिक मीटर में इसका जो मेजरमेंट है वो कौन कौन सा वर्क है हमारे पास, स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरी, उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स रैंडम रबल मेसनरी, रैंडम रबल मेसनरी, क्रस्ड रबल मेसनरी, सॉरी कोर्स्ड, कोर्स्ड रबल लिख लीजिएगा, वैसे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रबल मेसनरी, ठीक है ना, रबल मेसनरी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स असलर, असलर मेसनरी इन वॉल्स,
इन वॉल्स, ठीक है स्ट्रेंथ, इन आर्चेस ईटीसी, इन आर्चेस, आर्चेस ईटीसी। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेंथ कट स्टोन वर्क जो होता है हमारे पास, कट स्टोन वर्क एंड कट स्टोन वर्क इन लिंटल एंड बीम, एंड बीम ईटीसी। ये तो है स्ट्रेंथ किसमें, क्यूबिक मीटर में जो स्टोन मेसनरी है, और अगर आप देखेंगे स्क्वायर मीटर में स्ट्रेंथ, जो स्क्वायर मीटर में है स्टोन वर्क वो हमारे पास कौन सा है वो ध्यान से देखिए हम भाई। इसमें स्ट्रेंथ स्टोन स्लैब, ठीक है, स्टोन स्लैब एंड ये हो जाएगा हमारे पास रूफ्स, स्लैब्स, स्लैब्स जो होती है स्लैब्स ईटीसी, ठीक है ईटीसी में। उसके बाद है स्टोन छज्जा, स्टोन छज्जा, स्टोन छज्जा और स्टोन सनसेट, ये हमारे पास स्टोन सनसेट। हाँ ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा आप लोगों को, बोले हुए हैं सभी टीचर्स को, ये जो ओपन इलेक्टिव पेपर्स है ना इनका तो और स्थिति गड़बड़ है। एक सेकेंड, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर देखते जाइए, इनको लिख लीजिएगा स्ट्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको सभी को लिख लीजिए, मनोवर, रिया, श्रुति, अंकित, ओपिराय, अमित एंड शिवम और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमारे पास स्ट्रेंस स्क्वायर मीटर में एक काम और है स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग, ठीक है स्टोन वर्क इन हो जाएगा हमारे पास वॉल फेसिंग एंड लाइनिंग एटीसी। इन सब में जो हमारे पास क्या होता है वर्क होता है, ठीक है, इन सभी में जो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है वर्क है उसको हमने क्या अपना ध्यान देना है। ओके अब स्ट्रेंथ जैसे वुड वर्क है तो वुड वर्क में भी हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे वुड वर्क में वुड वर्क, ठीक है वुड वर्क, ठीक है वुड वर्क, इसमें हमने ध्यान देना है स्ट्रेंथ जो क्यूबिक मीटर में काम होता है, ध्यान देना वुड वर्क, वुड वर्क, वर्क फॉर डोर, ठीक है ना, डोर विंडो, ठीक है ना, डोर विंडो सॉरी विंडो फ्रेम और चौखट, चौखट जो हमारे पास है कट चौखट, राफ्टर्स बीम, राफ्टर, राफ्टर्स आर ए पी ई आर, राफ्टर्स बीम, रूफ ट्रसेस एटीसी, ठीक है। ये सब किसमें स्ट्रेंथ क्यूबिक मीटर में, किसमें ये क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वन इज व्हाट, कुछ कुछ पॉइंट इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या स्ट्रेंथ स्क्वायर मीटर में देख रहे हैं, स्क्वायर मीटर में कौन कौन सा काम होता है इसमें, वो हो जाएगा हमारे पास टिमरिंग, बोर्डिंग, 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 इसमें थिकनेस स्पेसिफाइड होता है, ठीक है ना, बोर्डिंग काम हो गया, टिमरिंग, टिमरिंग, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा सर सोइंग ऑफ टिम्बर, सोइंग ऑफ टिम्बर, सोइंग ऑफ टिम्बर हो गया हमारे पास। वुड वर्क इन पार्टीशन एंड प्लाईवुड, पार्टीशन एंड प्लाईवुड, ये हमारे पास सारा काम किसमें स्ट्रेंथ स्क्वायर मीटर में हमारे पास होता है, ठीक है स्ट्रेंथ। एक होता है बल्लीज, ठीक है बल्ली, ये होता है नंबर्स में स्ट्रेंथ, सॉरी मीटर में, मीटर ये होता है बल्लीज, बल्लीज हो गया। और नंबर्स में जो होता है डोर एंड विंडो फिटिंग्स, ठीक है डोर एंड विंडो फिटिंग्स में जितने भी बोल्ट्स नट इन सब का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। नहीं नहीं जो पहले चार पेपर उनका तो सबका होगा,
दिक्कत थोड़ा सा रहता है IoT और इनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबका होगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टील वर्क में स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो किसमें होता है, हमारे पास क्विंटल में होता है, ठीक है ना। स्टील वर्क जो हमारे पास है वो किसमें होता है, क्विंटल में होता है, ठीक है। जितना भी हमारे पास जॉइस्ट, एंगल, टी सेक्शन, आई सेक्शन है, बेंडिंग या बाइंडिंग ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, सभी हमारे पास किसमें है, स्क्वायर मीटर में है। डीपीसी किसमें होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। चलिए ये पॉइंट हमारे को यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गए। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था अब आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था एंड सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड जो हमारे पास क्या है, सैनिटरी इसके लिए कितना होता है 8%, ठीक है। इसके लिए कितना होता है हमारे पास 8%, ये सब आपको क्या है? याद है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ट्रिमरिंग और ट्रेंच। अब आपको क्लियर हो गया कौन कौन सा काम को स्क्वायर मीटर में लेके चलते हैं, और कौन सा काम है। देखिए अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोन असेंबली है, इसमें किसको लेकर चलेंगे हम लोग, क्यूबिक मीटर में लेकर के चलेंगे। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। ये हमारे पास हो गया स्टोन वर्क, ये हो गया हमारे पास वुड वर्क। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ से सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है। सेकेंड यूनिट के जितने भी हमारे पास के एमसीक्यूज है उसे हमने क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर यूज फॉर द प्रिपेयरिंग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, बताओ। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में हम लोग कौन से मेथड का यूज नहीं करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, यूनिट बेस मेथड, सिलेंड्रिकल बेस मेथड, एयर यूनिट रेट मेथड होता है ये, ठीक है ना। यूनिट रेट मेथड ये हमारे पास आंसर आएगा, सिलेंड्रिकल बेस मेथड कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल बेस मेथड इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं होता है, इसको हमने क्या करना, ध्यान देना। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, इन द प्लिंथ प्लिंथ मेथड, ठीक है, प्लिंथ एरिया मेथड है, प्लिंथ एरिया मेथड, The cost of construction is computed by multiplication of क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताते जाइए स्टूडेंट फास्ट, ठीक है। 34 का डी, वेरी गुड। 35 का आंसर क्या है, इन द प्लिंथ एरिया मेथड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लिंथ एरिया एंड हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट, प्लिंथ एरिया रेट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसे याद रख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है। क्या हमारे पास प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई में स्टूडेंट क्या होता है, प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 36, इन द क्यूबिकल कंटेंट मेथड आपको पता ही है, जो अप्रोक्सीमेट मेथड या फिर हम लोग प्रीलिमिनरी मेथड, रफ मेथड, अब्स्ट्रक्ट मेथड, ये सभी जितने मेथड्स होते हैं इन सब में सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है कि सर, इन सब में सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है वो क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। इन द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ध्यान दीजिए, इन द क्यूबिकल कंटेंट मेथड द कॉस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोटल क्यूबिक कंटेंट एंड व्हाट, क्यूबिक रेट के साथ में हम लोग क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब लेंथ, ठीक है ना, लेंथ, वेट एंड किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग, वेट एंड हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ, वेट एंड क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास हाइट होता है, लेंथ, वेट एंड हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसे हम लोग प्लिंथ एरिया में कंसीडर करके नहीं चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है टॉपिक में कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बताओ जैसे हमारे पास क्या है, आपको पता ही है हम लोग वॉल्स को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, रूम एरिया को कंसीडर करेंगे, बरांडा को, डिपेंड करता है बरांडा जो होता है, ठीक है, परंतु कंसीडर तो करते हैं वो 50% और 100% डिपेंड करता है ऊपर से ढका हुआ है या फिर नहीं है, परंतु बरांडा को हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करते हैं। बट जो हमारे पास कोर्ट यार्ड होता है
कोर्टयार्ड का सिंपल सा मतलब होता है आंगन, तो बताओ आंगन में तो किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग कोर्टयार्ड को क्या नहीं करके चलते हैं, कंसीडर करके नहीं चलते हैं। तो 37 का हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी आंसर आएगा। प्लीज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, कुछ कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, थोड़ा सा हम आपको बता देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, उन पॉइंटों को आपने क्या रखना है, ध्यान देना है कौन कौन से एरियाज हैं जिन्हें हम लोग क्या नहीं करके चलते हैं, कंसीडर करके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप और कवर्ड एरिया होता है। तो एक मिनट जस्ट यहाँ पे हम लोग आपको लिख दे रहे हैं, फिर भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। ठीक है, फिर भी हमारा काम है, एक बार हम आपको बता देते हैं। जैसे कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड ओपन एरियाज, ठीक है ना, ओपन एरियाज। नेक्स्ट वन इज व्हाट स्टूडेंट्स, बालकनीज, बालकनीज, ठीक है ना, एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। ठीक है ना, ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। प्लिंथ एरिया जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये है जिन्हें कंसिडर नहीं करते, नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड इन द प्लिंथ एरियाज। एक पॉइंट आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, ओके, प्लिंथ एरिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिए, प्लिंथ एरिया, ठीक है ना, प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड, ठीक है, प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड By taking the external dimensions, in external dimensions of the building at the floor level, at the floor level। ये point हमने क्या अपने students ध्यान देना, ठीक है, ये पॉइंट्स थे जिन्हें हमको क्या रखना होता है, ध्यान देना होता है कि जो कैंटिलीवर एरिया में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक स्टेंस साथ में आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, फ्लोर एरिया। नेक्स्ट वन इज द फ्लोर एरिया, ये भी आपने याद रखना है स्टेंस, बताओ फ्लोर एरिया हमारे पास क्या होता है, फ्लोर एरिया इज द एरिया, ठीक है, फ्लोर एरिया इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग इसको कहते हैं प्लिंथ एरिया, ठीक है ना, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या रखना ध्यान देना है, ये पॉइंट हमने क्या करना ध्यान देना, प्लिंथ एरिया माइनस में एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स, मतलब दीवारों ने जितना एरिया घेरा हुआ है, हम लोग क्या कहेंगे, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, मतलब वॉल्स के एरिया को हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, जबकि प्लिंथ एरिया में हम लोग वॉल्स के एरिया को कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने क्या रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग एक और एरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो होता है कार्पेट एरिया। ठीक है ना, वैसे तो और भी कई सारे एरिया है, सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, सभी को पढ़ करके जाना अपने एग्जाम में। जैसे ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स कार्पेट एरिया, अब बताओ क्या होता है कार्पेट एरिया, कार्पेट एरिया हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी प्लिंथ एरिया, मतलब ये हो गया एक तरीके से लाइवेबल एरिया, लाइवेबल एरिया, ठीक है, लाइवेबल एरिया मींस जहां पे हम लोग रह सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम रह सकते हैं, जहां पे हम लोग रह सकते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, बताओ उस एरिया को क्या बोलते हैं,
सर उस एरिया को हम लोग लाइवेबल एरिया बोलते हैं। लाइवेबल एरिया का मतलब होता है जहां पे रहा जा सकता है। अब इसमें देखिए, लिविंग पर्पस के लिए जिस एरिया को यूज नहीं कर सकते उसे हम लोग प्लिंथ इसमें कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं कर सकते। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं स्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि कारपेट एरिया ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, द कारपेट एरिया ऑफ ए ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग बताओ। अगर आपने कोई भी ऑफिस बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो कारपेट एरिया होता है वो हमारा प्लिंथ एरिया का कितना परसेंटेज होता है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। 62 कितना होता है हमारे पास, 62 75%, ठीक है, 62 75% ऑफ द प्लिंथ एरिया। स्टोर रूम्स इन सब में, मतलब वो जहां पे आप खुद अपने आप को ले जाकर के देखिए कि मैं कहां कहां नहीं रह सकता, ठीक है ना, तो वहां वहां पे उस एरिया को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना माय डियर। ठीक है सर, फिर भी हमको थोड़ा सा और बता दीजिए, ठीक है स्टेंस। तो जैसे हम लोग बता दे रहे हैं, द कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग फॉर एनी स्टोरी सेल बी द फ्लोरिंग एरिया एक्सक्लूडिंग, मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जिन्हें हम लोग कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करते स्टूडेंट। देखिए, सैनिटरी अकोमोडेशन हो गया, बरांडाज को हम लोग कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं, कॉरिडोर एंड पासेस मतलब जहां से आ रहे हैं जा रहे हैं उसको कंसीडर नहीं करते हैं, किचन एंड पेंट्रीज को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, स्टोर्स डोमेस्टिक बिल्डिंग्स एंट्रेंस हॉल एंड पोर्चेस स्टेयर केसेस एंड मम्टीज साफ्ट फोर लिफ्ट, ठीक है ना, गैराज और ये होता है हमारे पास कैंटीन, एयर कंडीशनर डस्ट डक्ट्स एंड एयर कंडीशनर प्लान रूम, इन सबको हम लोग कंसिडर करके नहीं चलते हैं। समझ में शिवम रॉय, किस किस को कंसिडर नहीं करते, ये जितने भी मेरे नाम लिए हैं इन सभी को कंसिडर हम लोग करके नहीं चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान दे रहा। अब देखिए, ये जो हमारे पास है द कारपेट एरिया ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग 60 to 75% है, बट अवर टारगेट इज व्हाट, हमारा टारगेट क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऑफिस लेते हैं तो आपको पता है जो वहां पे कमर्शियल जो क्या होता है रेंट होता है वो हाई होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक। जैसे अगर आप एक दुकान चलाने के लिए कोई जगह लेते हैं तो उसका रेंट जो होता है वो हाई होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक। पता चलेगा आप 2 BHK में रहते हैं उसका रेट उतना नहीं जितना आप दुकान का क्या दे रहे हैं, छोटी सी दुकान का रेंट दे रहे हैं। तो आदमी क्या करता है, छोटी सी ही जगह में ज्यादा जगह को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जो कारपेट एरिया ऑफिस बिल्डिंग है हमारा टारगेट कितना है कि जो प्लिंथ एरिया है उसका 75% को हम लोग क्या करें एज ए कारपेट एरिया क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। समझ नहीं है सबको, बताइए ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जैसे द कारपेट एरिया, ठीक है, द कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे स्टेंस तो हम लोग कितना परसेंट लेकर के चलते हैं बताओ। ये हमारे पास होता है स्टेंस 50 to 65% होता है, कितना होता है हमारे पास 50 to 65% ऑफ प्लिंथ एरिया होता है, ऑफ प्लिंथ एरिया। तो बताइए इसमें से कितना परसेंट, टारगेट क्या है हमारे पास, टारगेट होता है 65% का कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया को किसमें यूज कर ले, हम लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो गए स्टेंस, जो प्रिंथ एरिया है उसमें इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमने क्या रखना है ध्यान देने, नॉट कंसीडर। जो फ्लोर एरिया होता है वो क्या होता है, प्रिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स होता है। एक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कुलेशन एरिया, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स इन सभी एरियाज के बारे में पढ़ लेना। जैसे पहला हमारे पास स्टूडेंट्स प्लॉट एरिया, ठीक है, प्लॉट एरिया हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स प्लिंथ एरिया, ठीक है, सभी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में, प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सेट बैक एरिया, ठीक है, सेट बैक एरिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सर्कुलेशन एरिया,
सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, और लास्ट वन इज व्हाट, ये जाएगा स्ट्रेंथ कारपेट एरिया। तो सभी स्ट्रेंथ को ये पता होना चाहिए कि ये सब हमारे पास क्या है, ठीक है। फ्लोर एरिया, प्लिंथ एरिया, सेटबैक एरिया, सर्कुलेशन एरिया, फ्लोर एरिया एंड कारपेट एरिया, सभी को पढ़कर भी जाइए, सभी को हमने पढ़ा रखा है, पॉइंट को सभी के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करते हैं और कौन कौन से पॉइंट को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से कह रहे हैं, स्ट्रेंथ क्लियर रहना चाहिए। जैसे सर्कुलेशन एरिया, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे सर्कुलेशन एरिया दो तरीके का एरिया होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, और सेकेंड वन इज द वर्टिकल, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए जो सर्कुलेशन के लिए, जैसे सीढ़ीज बनाई हुई हैं या फिर हमने क्या बना रखा है, लिफ्ट बना रखा है, उन सब में जो एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है उसे हम लोग कहेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया मतलब जो एक ही प्लेन पर, ठीक है ना, एक बार एक ही फ्लोर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर जहां से भी जा सकते हैं, वो हमारे पास होता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एरिया ज्यादा होता है? सर ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलेशन जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया वो ज्यादा होता है, और ये कितना परसेंट होता है ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया 10-15% ऑफ प्लिंथ एरिया होता है, क्या होता है, ऑफ द प्लिंथ एरिया होता है। और जो हमारे पास वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया स्ट्रेस, दिस इज हाउ मच, ये हमारे पास कितना होता है, 4-5% होता है, 4-5% ऑफ प्लिंथ एरिया होता है। इसमें से दो ही दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 6 नंबर में 5 नंबर में, सभी स्टेंस का सेकंड यूनिट का सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। पहला तो हमारे पास एस्टीमेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट कौन सा है, जितना भी हमारे पास क्या है, प्रीलिमिनरी प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल मेथड है, यूनिट रेट मेथड है, टिपिकल बीम मेथड है, सर्विस मेथड है, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ के चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने क्या रखने, याद रखने। चलिए पहले वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें से तो वही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके, ठीक है ना। प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल एरिया मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टिपिकल मेथड एंड हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड जो होता है। जो सर्विस यूनिट मेथड होता है, सर्विस यूनिट मेथड का मतलब हो गया जैसे हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, स्कूल हो गए, मतलब इनमें सर्विस के बेसिस पे, जैसे सिनेमा हॉल बनाया 200 सीटर बना दिया, ठीक है ना, 200 सीटर हमने बना दिया है, ठीक है। एक चैलेंज वाला क्वेश्चन 6 तारीख के बाद में बताएंगे, जैसे आपका आरसीसी का क्वेश्चन हो जाएगा ना उसके बाद में बताएंगे, ठीक है ना। कल हम लोग आरसीसी के सॉरी स्टील का क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि स्टील में आप लोगों की थोड़ी सी पकड़ कम है मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टील के क्वेश्चन करेंगे कल 2 तारीख के 2, 3, 4, 5 तक, ठीक है ना। उसके बाद में चैलेंज वाला जो क्वेश्चन है हम लोग आपको बताएंगे कब, 6-7 में बताएंगे, क्योंकि 10 तारीख को पेपर आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते चलो बस आप, बाकी सारा तैयार है। एक आपको सेप्टिक टैंक का क्वेश्चन बताना जरूर है, ठीक है ना, सेप्टिक टैंक का क्वेश्चन बताएंगे जरूर, 100% समझा देंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया हो गए, ये सारे पॉइंट्स है, चलिए तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ क्लियर हो जाएगा। तो आपने ध्यान देना है, जैसे हम लोगों ने बताया था, ठीक है, स्टील का पीवाईक्यू ऑलरेडी करा रखा है, मैं भी आपको लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा, वो फिर से भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 साल के करा रखे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, जो हमारे पास है सर्विस यूनिट मेथड हो गया, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स आपने क्या करने, याद कर लेने हैं। तो दो ही मेथड है हमारे पास, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ द प्लिंथ एरिया बिल्डिंग नॉट इंक्लूडेड, बताओ कौन सा एरिया जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए नॉट इंक्लूडेड, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने लिखा था एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च, ठीक है, एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च को हम लोग क्या नहीं करते चलते हैं, कंसिडर करके नहीं चलते स्ट्रेंथ,
ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोस्ट, ध्यान से देखिए, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, कहां पे समझाए थे देखिए ध्यान से, कौन कौन से एरिया है जिसे हम लोग कंसिडर करके नहीं चलते हैं, तो यही आ गया ना हमारे पास, कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। तो जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए जा रहे हैं सभी पॉइंट्स को आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ करके डालना है, तो क्या इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, बी आंसर हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ द वॉल एट द फ्लोर लेवल इसको कंसिडर करते हैं, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा। साफ्ट को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना, लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, ठीक है, और एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च इसे कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट होता है 39 का आंसर, इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया बिल्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा जाएगा प्लिंथ एरिया, एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, द वेट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन हाइट कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटीज, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट बताइए, इन दिस मेथड अप्रोक्स टोटल लेंथ ऑफ द वॉल इज फाउंड इन रनिंग मीटर एंड दिस टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय द रेट पर रनिंग मीटर ऑफ द वॉल गिवन बाय फेयरली एक्यूरेट एनुअल रिपेयर आइटम रेट एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट क्यूबिकल कंटेंट, तो बस क्यूबिकल कंटेंट में तो हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके चलते स्टूडेंट्स, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ठीक है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता क्यूबिकल वाला। एनुअल रिपेयर यहां पे जो कॉस्ट पता कर रहे हैं, तो आइटम रेट एस्टीमेट, आइटम रेट रेट का थोड़ी ना है, तो अप्रोक्सीमेट ये क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट ही आएगा। चलिए, द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लिंथ एरिया बताइए क्या होता है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लिंथ एरिया, अभी हम लोगों ने बताया था कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बताओ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जल्दी से बताओ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या देगा कि सर ये होता है हमारे पास प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई में प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई में प्लिंथ एरिया रेट, इसके साथ हम लोग करते हैं, तो हमारे पास बताइए क्या आएगा, अगर हमको क्या पता करना है प्लिंथ एरिया रेट पता करना है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के से किसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, प्लिंथ एरिया से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, ध्यान देखिए, व्हाइल प्रिपेयरिंग जब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बाय दिस मेथड, पर स्टूडेंट फॉर द होस्टल्स, पर स्टूडेंट फॉर द स्कूल, यही क्वेश्चन था ना, ध्यान देखिए, जो स्कूल्स होता है वो पर स्टूडेंट्स होता है, ओपी राय, यही आपका डाउट था, पर स्टूडेंट्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए पर स्टूडेंट्स के बेसिस पे क्या होते हैं, पर बेड, हॉस्पिटल्स के लिए क्या होते हैं, पर बेड होता है, सीट्स के बेसिस पे किसका होता है स्टूडेंट, सिनेमा हॉल का होता है, जितने भी सिनेमा हॉल्स होते हैं, ठीक है, उसका हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, सिनेमा हॉल, ठीक है ना, तो ये हमारे पास है, तो ये सब किस में आता है, प्लिंथ एरिया मेथड, टिपिकल कंटेंट मेथड, या फिर हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टिपिकल, तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर, ये होता है हमारे पास सर्विस यूनिट मेथड होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्विस यूनिट मेथड बोलते हैं, सर्विस यूनिट मेथड में यही सब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। टिपिकल वे मेथड का मतलब हो गया जैसे कोई इंडस्ट्री, इसका हम लोग कहां पे यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें क्या होते हैं, एक ही जैसे बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, वेज बनाए जाते हैं, टिपिकल वेज मेथड, ठीक है, जैसे आप देखिए इस तरीके का है, टिपिकल वेज मेथड इस तरीके का है, अब आपको पता है कि अगर एक का जो कॉस्ट होगा उसी से सबके कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे रोड लेंथ होता है, रोड का जैसे कॉस्ट पता करना है, एक किलोमीटर का जो रेट होगा भाई हम लोग 100 किलोमीटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जहां पे सेम जैसे स्ट्रक्चर्स के ही सारे बन रहे हैं उस केस में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोई जैसे क्या बनते हैं, टावर्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें एक तरीके के कई सारे टावर्स है, एक का जो कॉस्ट होगा भाई सबका कॉस्ट होगा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं पता कर लेते हैं, ये हमारे पास था सर्विस रेट मेथड। It is an approximate estimate which is calculated by finding the cubical content. अब बताओ जो cubical content की बात कर रहा है उसमें हम लोग क्या कहेंगे students? Cubic content method की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? Cubic content method की बात करेंगे। The detailed estimate of work can be prepared by, तो आपको students इसका answer आएगा total quantity method या unit quantity method, दोनों का एक ही मतलब होता है। The unit which is commonly used for volume, बताओ जब भी आप वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं तो किसमें करते हैं, स्क्वायर मीटर में, मीटर में या क्यूबिक मीटर में,
कि सर हम लोग उसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में हम लोग करते हैं, इसमें करते हैं क्यूबिक मीटर में हम लोग इसका करते हैं यूज। नेक्स्ट स्टेंस फॉर एस्टिमेट पर्पस द गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी पब्लिशेस ए बुकलेट इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, जिसमें सारे रेट्स दे रखे होते हैं हमारे को। व्हाइल प्रिपेयरिंग द डिटेल एस्टिमेट, तो आपको पता है डिटेल एस्टिमेट करने के लिए डायमेंशंस एरिया, देखिए डायमेंशंस मीटर में होगा लेंथ विड्थ हाइट, एरिया स्क्वायर मीटर में होता है, ये क्यूबिक मीटर, मतलब आंसर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेंस द मेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट, पता है डिटेल एस्टिमेट के लिए तो आपको हर चीज की क्या होती है जरूरत पड़ती है। द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर, सीमेंट कंक्रीट गलत, आरसीसी स्ट्रक्चर गलत, हॉलो कंक्रीट, इसमें आता है ब्रिक वर्क इन, हाफ ब्रिक वर्क कहेंगे स्टूडेंट्स इसको हम लोग, हाफ ब्रिक वर्क, ठीक है, हाफ ब्रिक वर्क जो होगा उसे कंसिडर करके चलते हैं। इसका आंसर फिर से वही है स्टूडेंट्स, व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो डी आंसर आएगा। द मोस्ट रिलायबल, जिसपे आप सबसे ज्यादा विश्वास रख सकते हो, कौन सा होता है, डिटेल एस्टिमेट होता है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्लेथ क्यों, ये तो सब उसी के पार्ट है। द डैम प्रूफ कोर्स का जो मेजरमेंट करते हैं डीपीसी इज मेजर्ड इन किसमें, स्क्वायर मीटर में ही हम लोग करते हैं, ध्यान देना इसमें जो थिकनेस होता है वो स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, थिकनेस, थिकनेस इज स्पेसिफाइड, थिकनेस इज स्पेसिफाइड, जो थिकनेस होता है उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। द एस्टिमेट इज डिटेल्ड एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर टू वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहेंगे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारे पास स्टूडेंट्स मेंटेनेंस एस्टिमेट हमारे पास होता है। चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, कल लास्ट क्लास रहेगा स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में इस सब का पूरा क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। टोटल जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 155, तो 100 क्वेश्चन रह गया, तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्या है लेस में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन, नहीं तो दो क्लास में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर से अगर अच्छे से हमारा रिविजन हो रहा है तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए बाकी सब लोग सो गए, शिवम श्रुति मनोहर आप लोगों को हम लोग याद रखेंगे, हमेशा क्लास लेते हैं आप लोग, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने अब सारा तैयार कर लेना है, ठीक है ना, इसका पीडीएफ हम लोग एक साथ ही दे देंगे, क्योंकि ये कई सारे पेज रहे तो फिर कट करने में क्या स्टूडेंट्स दिक्कत हो, तो स्टूडेंट्स ये जब वीडियो यूट्यूब पे जाए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, चलिए ओके बाय बाय टाटा।